हाय फ्रेंड्स, तो आज आपको मैं सेल्स पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? सेल। आज का आपका टॉपिक क्या है? सेल है। टुडे वी आर डिस्कस ऑन सेल। आज हमें क्या पढ़ना है? सेल पढ़ना है। तो इसके पहले का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, क्या पढ़ाया मैंने? एनिमल डाइवर्सिटी। जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार के बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर में। बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो आपको एनिमल डाइवर्सिटी नहीं पढ़ना है। उसमें आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में? सेल। सेल क्या है? ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? सेल पढ़ना है। सेल सेल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। और वो उनकी स्ट्रक्चर कैसा है, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इन सब के बारे में हम सेल्स में पढ़ेंगे। सेल्स के टॉपिक में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल क्या है? सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, या फिर कह लीजिए बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है आज? सेल पढ़ना है। तो सेल, इसके पहले का जो मैं बता दूँ आपको कि इसके पहले का जो मैंने एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ाया है वो आपके नॉलेज के लिए पढ़ाया है, ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो आपको क्या पढ़ना है बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में? आपको सेल्स पढ़ना है। सेल्स क्या है? सेल क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ? सेल क्या है? सेल, हमें सेल पढ़ना है। सेल क्या है, ठीक है, तो सेल क्या है? सेल किसे आप कहेंगे? द स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। सेल क्या है? लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब कि जो हमारी बॉडी है, स्ट्रक्चर से कहें, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से। तो मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट का। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से। हमारी बॉडी में सेल्स है, सेल से मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू ही मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। तो कहा जाए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सेल से। तो सेल क्या हुआ? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ या फिर बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इट इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये लाइफ का क्या होता है? स्ट्रक्चरल, मतलब जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? सेल से। तो ये क्या हुआ? स्ट्रक्चरल। और सभी लिविंग एक्टिविटीज़ जो है वो कहाँ होती है? इनसाइड सेल, सेल के अंदर होती है। तो इसलिए क्या हुआ? ये फंक्शनल, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सेल। सेल को सबसे पहले हम देखेंगे कि किसने इसको कब डिस्कवर्ड किया गया, ठीक है, किसने डिस्कवर्ड किया है। सेल को किस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी के किस ब्रांच में हम सेल्स को पढ़ते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शनल सेल्स के बारे में क्या, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। वो सेल्स क्या हैं, सेल्स एक्चुअली हैं क्या, उसको डिस्कवर्ड किसने किया है, ठीक है। तो सेल्स क्या है, क्या है सेल, सबसे पहले इसके डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ की क्या है? बेसिक यूनिट है। और क्या है? एंड आल्सो इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की क्या है? बेसिक यूनिट है। और क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जो लाइफ की, किसी भी एनिमल्स की जो लाइफ होती है, या फिर आप कह लीजिए कोई एनिमल्स होता है, उसका स्ट्रक्चर किस पे बेस होता है? सेल पे। और उसका फंक्शन भी किससे होता है? सेल से। तो मतलब उसके सभी फंक्शन और उसकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। तो
जो एनिमल्स है उसकी बॉडी किसकी बनी है, सेल से, सेल से मिलकर उसकी बॉडी बनती है। तो उसके जो लिविंग एक्टिविटीज़ होंगे, मतलब कि उसका जो फंक्शन होगा वो भी किससे रिलेटेड होगा, सेल से। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं जो सेल है, ठीक, अभी हम देखेंगे कि जो सेल की स्टडी है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अभी क्या पढ़ना है, जो स्टडी है सेल की, द स्टडी ऑफ सेल, हम सेल की स्टडी करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या कहते हैं हम उसे, साइटोलॉजी। आपसे कोई पूछेगा कि साइटोलॉजी क्या है, तो आप बताएंगे द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, या फिर ऐसे आप बताएंगे इसकी फुल डेफिनेशन क्या होती है, द ब्रांच ऑफ, द ब्रांच ऑफ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ दी विथ द स्टडी ऑफ विथ द स्टडी ऑफ सेल इन रिलेशन टू स्ट्रक्चर टाइप्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ETC, ठीक। क्या है फंक्शन, आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम इसे ही, आर कॉल्ड एज साइटोलॉजी, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी, स्टडी ऑफ सेल इन रिलेशन टू किसके, स्ट्रक्चर, उसका सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टाइप्स मतलब वो कितने प्रकार का होगा, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ठीक है, एंड फंक्शन और उसका कार्य क्या है। तो इस बेसिस पे क्या करते हैं हम, सेल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। इन सब की स्टडी किसके रिलेटेड में हम करते हैं, सेल्स के रिलेटेड में, मतलब सेल कैसा है, ठीक है, फुल स्टडी। आप कह लीजिए कि सेल्स के बारे में किसी भी स्टडी को हम करते हैं, सेल्स से रिलेटेड हम किसी भी स्टडी को करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, साइटोलॉजी के, ठीक है, साइटोलॉजी के। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इन रिलेशन टू टाइप्स स्ट्रक्चर फंक्शन एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन सब की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं बायोलॉजी के, उसी ब्रांच को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, ठीक। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, सेल। तो सेल को किसने डिस्कवर्ड किया, ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर्ड किया है, तो फादर कौन होगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक, कौन है, रॉबर्ट हुक क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के फादर है कौन, रॉबर्ट हुक, ठीक। और सेल हमारा कैसा है, सेल कैसा है, सेल इज माइक्रोस्कोपिक, कैसा है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक।
आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा कि क्या है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए सबसे पहले आपने क्या देखा, सेल्स की डिफिनीशन देखा, ठीक है। क्या देखा आपने, सेल्स की डिफिनीशन, ठीक। क्या पढ़ा आपने पहले, साइटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। फिर आपने क्या देखा, साइटोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, ठीक है। साइटोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इन रिलेशन टू स्ट्रक्चर टाइप्स एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड साइटोलॉजी। उसी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। हम सेल्स की जो स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में, बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम क्या करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि साइटोलॉजी के फादर कौन है, रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी का जनक। साइटोलॉजी का पिता कौन है, फादर कौन है, रॉबर्ट हुक। फिर उसके बाद क्या, सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। सेल कैसा है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है, ठीक है। सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। सो इसलिए इसकी डिस्कवरी कब हुई, सो स्टार्टेड देयर स्टडी आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरीज ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक। तो इसकी सेल्स की स्टडी हम कब करना स्टार्ट कर दिए, जब माइक्रोस्कोप का क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद से ही हम क्या किए, सेल्स को स्टडी करना स्टार्ट किए, ठीक है। जब, क्योंकि हमें पता है सेल्स कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है। जब माइक्रोस्कोप ही नहीं होगा तो सेल्स को ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेल को हम देखेंगे कैसे, सेल को देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। तो जो सेल्स की स्टडी स्टार्ट हुई वो कब हुई, जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर्ड हुआ, क्या है, फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन इन 1590, ठीक है। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉनसन एंड जॉनसन, और वो माइक्रोस्कोप कैसा था, इट इज सिंपल, कैसा, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक। कैसा था वो, सिंपल माइक्रोस्कोप था, और उसमें क्या था, इन विच, उसके अंदर क्या था, इन विच सिंगल लेंस प्रेजेंट, ठीक। जो माइक्रोस्कोप फर्स्ट बार डिस्कवर किया गया था, तो उस माइक्रोस्कोप में क्या था, एक ही लेंस का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए वो कैसा माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप था। लेटर बाद में क्या हुआ, लेटर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, इन 1665, इन विच
लेंस प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद कौन, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, और जिसमें किसका, कितने लेंस का यूज़ किया, दो लेंस का। उसमें कितने लेंस थे, टू लेंस थे, ठीक है। तो उसमें टू लेंस थे तो इसलिए वो कैसा हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कब डिस्कवर किया, 1665 में, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो कैसा था, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या टर्म यूज किया था सेल्स के लिए, जो टर्म है सेल, द सेल वॉज, या फिर आप ऐसा कह लीजिए द टर्म, जो टर्म है किसका, सेल का, द टर्म सेल, सेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होता है ये, फ्रॉम, एक लैटिन वर्ड है, फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। वो लैटिन वर्ड क्या है, सेलुला, क्या सेलुला, क्या है सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स क्या होता है, जिसका मतलब हॉलो स्पेस, ठीक, विच मीन्स हॉलो स्पेस। और ये देखा कहाँ गया था, जो रॉबर्ट हुक ने था, जो ये सेल, जो सेलुलर टर्म यूज़ किया था, जो हॉलो स्पेस था, उन्होंने ये किस में ऑब्जर्व किया था, किस में, द डेड, कहाँ पर, द डेड सेल ऑफ कॉर्क, ठीक है, द डेड सेल ऑफ कॉर्क। उन्होंने कहाँ से इसको रिपोर्ट किया था, कॉर्क से, ठीक है, द डेड सेल ऑफ कॉर्क। और उन्होंने क्या कहा इसे, एंड इट अपीयर्स, अपीयर्स एज, एज हॉलो स्पेस, वो कैसा दिख रहा था, खाली जगह, हॉलो स्पेस की तरह दिख रहा था, या फिर आप क्या कह लीजिए, हॉलो चैम्बर, ठीक है, हॉलो चैम्बर। बाद में जब रॉबर्ट हुक ने इसको क्या कहा, सेलुला, इसको क्या किया, सेलुला कहा, उन्होंने देखा कि जो हॉलो स्पेस है, जो खाली जगह है, वो कैसा है, हॉलो है, तो उन्होंने उसके लिए किस टर्म का यूज़ किया, सेलुला का, ठीक है। बाद में क्या होता है, लेटर, बाद में कौन आते हैं, बाद में दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, और वो साइंटिस्ट के नेम क्या है, लेटर, लेटर ग्रीव एंड मेलपी जी, उन्होंने क्या कहा, यूजेस, उन्होंने इस हॉलो स्पेस को क्या कहा, किस टर्म का यूज़ किया उन्होंने, यूजेस द टर्म ब्लैडर, किसका यूज़ किया, ब्लैडर का, ठीक है। और क्या कहा उसे, और यूटिकल, ब्लैडर कहिए या फिर यूटिकल कहिए, उन्होंने किस टर्म का यूज़ किया, ब्लैडर या फिर यूटिकल का। बाद में दो साइंटिस्ट आते हैं, कौन से, ग्रीव एंड मेलपी जी, उन्होंने क्या कहा, उस खाली स्पेस को उन्होंने क्या कह दिया, ब्लैडर या फिर यूटिकल्स, ठीक है। किसके लिए कहा था, फॉर, फॉर द हॉलो स्पेस, ठीक, फॉर द हॉलो स्पेस विथ हॉलो स्पेस एंड, ठीक है। और वो किससे रिलेटेड था, किससे रिलेटेड उन्होंने कहा था, एंड
रिलेटेड विथ क्या है, एंड रिलेटेड विथ हनी कॉम्ब। ठीक है, उन्होंने हॉलो स्पेस कह दिया और वो किससे रिलेटेड था, हनी कॉम्ब से। बाद में क्या हुआ, बाद में कौन आए, इसके बाद कौन आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। कौन आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। उन्होंने क्या कहा, ठीक है, इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। उन्होंने सेल लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया, किसका, लिविंग सेल्स का। अभी तक जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने किसका डिस्कवर किया था, डेड सेल का, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक आए और उन्होंने किसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व लिविंग सेल्स फ्रॉम कहाँ से ऑब्जर्व किए थे, ये रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप्स, टीथ स्क्रिपिंग, ठीक, और कहाँ से, रेन ड्रॉप से, टीथ स्क्रिपिंग से, एंड पेपर इन्फ्यूज़न, ठीक है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ, और वो किस फॉर्म में था, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल सेल। और वो किस फॉर्म में था, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो किस फॉर्म था, बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल के फॉर्म में था। जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था वो किस फॉर्म में था, बैक्टीरियल सेल के फॉर्म में। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, नहीं तो फिर आप ऐसा लिख लीजिए, इसको नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया, किसे, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक को क्या कहा गया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और ये भी एक ब्रांच है जिस ब्रांच में हम किसकी स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया की, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। 19th सेंचुरी को, ठीक है, क्लासिकल पीरियड ऑफ सेल क्या है, क्लासिकल पीरियड ऑफ सेल कौन सा टाइम है, किस ईयर को या फिर किस सेंचुरी को क्लासिकल पीरियड ऑफ सेल कहा जाता है, 19th सेंचुरी, किस सेंचुरी को, 19th सेंचुरी को, ठीक है, 19th सेंचुरी को क्या कहा जाता है, क्लासिकल पीरियड, ठीक, 19th सेंचुरी को क्या कहा जाता है, क्लासिकल पीरियड, ठीक है, क्योंकि सभी डिस्कवरीज, क्यों, बिकॉज most of discoveries
डिस्कवरीज रिलेटेड विथ सेल्स ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब लगभग जो डिस्कवरीज है सेल से रिलेटेड वो किस सेंचुरी में हुई थी, 19th सेंचुरी में, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, क्लासिकल पीरियड ऑफ सेल। ठीक है, अभी क्या है, ये तो हो गया हमारा सेल, अभी हमें क्या पढ़ना है, सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज रिलेटेड विथ सेल। ठीक है, सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं जो हमें क्या करनी है, पढ़नी है। उसमें से फर्स्ट थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी। ठीक है, तो तीन थ्योरीज हैं, ठीक है, थ्री थ्योरीज हैं जो किससे रिलेटेड दी गई हैं, सेल से। तो उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सेल। सेकंड क्या है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। थर्ड क्या है, ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। ठीक है, तो अभी आपने आज पढ़ा क्या, सेल क्या है, सेल्स को कितने डिस्कवर्ड किया है। ठीक है, तो सेल को किसने डिस्कवर्ड किया है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, और डेड सेल्स को किसने डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी किसने डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। ठीक है, तो और आज आपने क्या पढ़ा, सेल क्या है। ठीक है, सेल क्या है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट या फिर सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल किसने दिया, सेल टर्म किसने दिया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो यही चीज़ है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि सेल थ्योरी हो गई, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी और ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। तो ये थ्योरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।